प्राणनाथ प्यारे की जय। पूज्य स्वामी जी तथा विद्वगण, मेरे प्यार सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। आज मेरा विषय है जीवन। जीवन में अपना भाव रखने जा रहा हूं कि व्रता का निगमो रे पामी पदार्चार, मान को खंड व्रतनो शिष्ट कुली सिरधार। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, यह किरंतन विक्रम संवत 1712 से 1715 के बीच में श्री मेहराज जी के नाम से उतरा है। इन किरंतनों में अध्यात्म जगत के कड़वे सच का उजागर किया गया है। श्री महामती कहती है कि हे संसार के लोगों, इस संसार में चार अनमोल पदार्थ हैं। पहला, हम ब्रह्म सृष्टि, हमें यह तन मिला, मनुष्य तन मिला। दूसरा, भरत खंड में हमें जन्म मिला। तीसरा, कलयुग। चौथा, ब्रह्म सृष्टि और प्रिय उनके प्रियतम का सानिध्य है। ये चार पदार्थ पाकर भी हम इस संसार के उलझनों में लगे रहते हैं। वाणी में कहा गया है, उन लोगों के लिए जो इस संसार में उलझनों में लगे रहे कि रेहो दुनिया बावरी खोवत जन्म गमार, मधु माती माया की चाकी सुनत नाही पुतार। कि संसार में सभी प्राणियों का जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मनुष्य का, लेकिन मानव जीवन में एक विशेष गुण है जो अन्य प्राणी की तुलना को श्रेष्ठ बनाता है, वह है सत्य को जानने की इच्छा। अन्य प्राणी का जीवन तो पूर्णतया खाना पीना सोना तथा इस सांसारिक कार्य में व्यतीत हो जाता है, परंतु मानव जानता है कि इस संसार से भी भिन्न कोई शक्ति है और उसे प्राप्त करने की क्षमता उसके अंदर निहित होती है। कि और अन्य प्राणी इस संसार के उलझनों में लगे रहते हैं, उनके लिए महामती कहती हैं कि हे संसार के अज्ञानी मनुष्यों, तुम अपने जीवन को इस संसार में व्यर्थ ही गवाते जा रहे हो। नक्शे सिख तक की माया में आप मस्त हो, इसलिए मेरी आवाज को अनसुनी कर रहे हो। यह तो ऐसा ही है कि जैसे किसी के पास धन हो, या तो वह अवश्य कार्य में खर्च करता हो या उस धन का सदुपयोग करना ही नहीं आता हो, उसी प्रकार हम यही कर रहे हैं कि हमें यह तन पता होने के बावजूद भी हम यह जानने की इच्छा नहीं करते कि यह जीवन हमें क्यों मिला है और इसका अस्तित्व किसने बनाया। हमने तो इस संसार में आने से पहले हमने यह इच्छा नहीं की थी कि हमें इस संसार में जन्म लेना है या कब मरना है, परंतु यह क्रिया अत्यंत काल से चल रही है, तो यह क्रिया चलाने वाला कौन है। तत्व ज्ञान को समझ लेके लिए नहीं, बल्कि मनुष्य के पास संसार के चीज इकट्ठे करने के लिए समय होता है और अत्यंत पुरुषार्थ करते हैं। घर परिवार जमीन को मेरा मेरा करते हैं। वाणी में कहा गया है कि मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा तो भी सृजन हार को ना देवे। एक क्षण भर का भी पता नहीं है कि यह जीवन हमारा कब चले जाए, कब रहे, फिर भी हम इस संसार के उलझनों में लगे रहते हैं। कि उनको लगता है कि इस संसार के कार्य हमसे अलावा कोई नहीं कर सकता, जिस वजह से वह शरीर नश्वर होने के बावजूद भी इस संसार से अपने प्रियतम की पहचान करने में असमर्थ रहते हैं। जीवन का मूल्य वही जान सकता है जिसने मृत्यु के पास अनुभव किया हो। जैसे भूखे को ही पता होता है कि भोजन का मूल्य क्या है। एक व्यक्ति बजार से चारपाई बनाने के लिए दो छोटी लकड़ी दो बड़ी लकड़ी लाता है और उस लकड़ी से अपना कार्य स्टार्ट करता है। जब उनसे पूछिए कि यह क्या कर रहे हो,
वह बोलेंगे चारपाई बना रहे, इस पे क्या करोगे, सोओगे। हमें इस छोटी सी चारपाई के बारे में इतना पता है तो हमारा यह मूल्य जीवन क्यों मिला है ये हमें नहीं पता है। एक बेचारा सूरदास वह घने दुर्ग में फंस जाता है। उधर भयानक आवाज, घबराहट। जब वह जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं कि बचाओ बचाओ, तब उनके पास एक व्यक्ति आता है, कहता है कि इस दुर्ग में 84 दरवाजे हैं। सूरदास तो अंधे होने के कारण जा नहीं पा रहे थे। उन व्यक्ति ने उनको सच्चा रास्ता बताया। जब वह अपने अंधे होने के वजह से वह गेट को हाथ लगा लगा के आगे बढ़ते हैं, जहां खुला दरवाजा था, उनको खुजली की बीमारी होने के कारण वह खुला दरवाजे को पार कर वापस उस 84 दरवाजे में फंस जाते हैं। सूरदास जी की कहानी सुनकर हम सभी सुंदर साथ को हंसी आ रही होगी, परंतु वह सूरदास कौन है? वह सूरदास हम ही हैं जो इस अंधकार में फंसे हुए हैं। यह खुजली वह क्या है? यह माया है जो हमें सच्चे रास्ते पर जाने से रोकती है। और हम इस संसार में, इस हमारी आत्मिक दृष्टि खोलना है। यदि हमको सद्गति को प्राप्त करने के लिए अपने सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति करना होगा और उनके प्रति समर्पित। वाणी में कहा गया है, महामति कहे गुरु सोई कीजे, जो अलग की देवे लग, उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सन्मुख। कि हमें उस सद्गुरु की प्राप्ति करना चाहिए जो हमें इस संसार से परे का ज्ञान दे। इस संसार से चित्र हटाकर हमें उस प्रियतम का अनुभव कराए, अर्थात इस संसार में तो कई सद्गुरु हैं, लेकिन वह तो एक ही सद्गुरु है जिसके माध्यम से हम इस ब्रह्मांड से परे का ज्ञान ले सकते हैं। हमें सद्गति को प्राप्त कर हमें वाणी बीतक से समझ चितवनी के माध्यम से हमें अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है। बस सुंदर साथ जी, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।